धक धक धड़के धक 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 धड़के hey! तार जुड़ेंगे बनेगा बंधन सुरों की माला सजेगा कंगन गलियों गलियों में गूंज उठेगी अरे धक धक धड़के शहर की धड़कन धक धक धड़के शहर की धड़कन गलियों गलियों में गूंज उठेगी धड़कन शहर की धड़कन। मैं जयप्रकाश एडिशनल कलेक्टर सीकर आप सभी सीकर वासियों को और सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए 90.4 FM सीकर शहर की धड़कन। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि लोकतंत्र में मत अधिकार का महत्व क्या है, मतलब मतदान का जो अधिकार है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है उसका? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, और जब शब्द लोकतंत्र आ जाता है इट मीन्स लोकशाही, यानी जनता का शासन। और जनता का शासन कब होगा? जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी, यानी जनता स्वयं के लिए, अपने विकास के लिए, किस तरह से उसके आसपास एनवायरनमेंट सुधरे उसके लिए काम करता है, करती है। तो एक तरह से जनता की सीधी सीधी भागीदारी जो है वो लोकतांत्रिक देश में होती है, और उसका सर्व प्रमुख जो साधन है वो है मताधिकार। यानी एक नियमित अंतराल के बाद, चाहे वो राज्य सरकार का चुनाव करना हो या केंद्र की सरकार का चुनाव करना हो, हमें एक मौका मिलता है जब हम मतदान करके या हमारे वोट का इस्तेमाल करके हम अपने पसंद के जनप्रतिनिधि और सरकार को चुनते हैं। और मैं कई बार ये कहता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि हम लोग इतने लकी हैं कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ हमें मतदान का अधिकार है, और ये अधिकार एकमात्र ऐसा अधिकार है जो एक तरह से 100% इक्वलिटी पर आधारित है। चाहे इस देश में कोई सर्व प्रमुख पद पर बैठा हो, या इस देश का वो सबसे धनी व्यक्ति हो, या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, या दूसरी छोर पे जो बैठे हैं, चाहे वो बिल्कुल कहीं विरल पहाड़ियों में रहता हो, बिल्कुल चाहे मरुस्थल में रहता हो, सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबसे निम्नतम पद पे वो अपनी ड्यूटी दे रहा हो, बट किसी भी तरह से उस, चाहे उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, बट सभी को समान रूप से एक मत देने का अधिकार है। यानी सर्व प्रमुख व्यक्ति ही भी अपना एक ही मत देता है, और सबसे निर्धन व्यक्ति और जो सामाजिक रूप से सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो अंतिम छोर पे बैठा है, वो भी एक ही मत देता है। यानी दोनों को ये राइट है कि वो अपनी सरकार को इक्वलिटी के आधार पे चुन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। धक धक धड़के शहर की धड़कन 90.4 FM सीकर शहर की धड़कन।